गुरुदत्त, जिनका वास्तविक नाम वसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण है, इनका जन्म 9 जुलाई 1925 में हुआ था। फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता, निर्देशक एवं फिल्म निर्माता थे। इन्होंने 1950वें से 1960वें की दशक तक कई उत्कृष्ट फिल्में बनाई, जैसे प्यासा, कागज के फूल, साहिब बीबी और गुलाम और चौंदवी का चांद। विशेष रूप से प्यासा और कागज के फूल को टाइम पत्रिका के 100 सर्वश्रेष्ठ फिल्मों की सूची में शामिल किया गया है। गुरुदत्त 1950वें की दशक के लोकप्रिय सिनेमा के प्रसंग में काव्यात्मक और कलात्मक फिल्मों के व्यावसायिक चलन को विकसित करने के लिए प्रसिद्ध हैं। गा चुके हैं कश्मकश जिंदगी से हम ठुकराना थे। 9 अक्टूबर 1964 की शाम, यानी गुरुदत्त की मौत के ठीक एक दिन पहले आर्क रॉयल की बैठक में फिल्म बहारे फिर भी आएंगे की नायिका के मरने की कहानी लिखने का काम चल रहा था। अबरार ने बताया कि जब वो शाम को 7 बजे वहाँ पहुँचे तो माहौल बिल्कुल अलग था। गुरुदत्त शराब में डूबे हुए थे, उनके चेहरे पर तनाव और अवसाद साफ झलक रहे थे। उन्होंने गुरु के सहायक रतन से पूछा कि बात क्या है। अबरार ने बताया कि उन दिनों गुरुदत्त अपनी निजी जिंदगी को लेकर परेशान थे। हर फोन के बाद गुरु के चेहरे पर तनाव और गुस्सा दोनों बढ़ जाता था। एक फोन कॉल पर गुरुदत्त ने गीता से कहा, अगर मैंने बेटी का मुंह नहीं देखा तो तुम मेरा पार्थिव शरीर देखोगी। वो रात गुरुदत्त के जीवन की आखिरी रात थी। उनकी पत्नी गीता दत्त उन्हें लगातार फोन करती रही। रतन को लगा कि वो देर से सोए थे इसलिए अब तक सो रहे हैं, लेकिन गीता को कुछ असामान्यता का आभास हुआ। उन्होंने 11 बजे रतन को कहा कि वो दरवाज़ा तोड़ दे। दरवाज़ा टूटने पर रतन ने देखा कि गुरुदत्त बिस्तर पर लेटे हुए हैं। अबरार ने बताया कि जब वो आर्क रॉयल पहुँचे तो उन्होंने गुरुदत्त को शांति से सोता पाया और बिस्तर के बगल में एक छोटी सी शीशी में गुलाबी रंग का तरल पदार्थ था। उनके मुंह से निकल गया, आह, मृत्यु नहीं, आत्महत्या। उन्होंने अपने आप को मार डाला। गुरुदत्त का यूं चले जाना हर किसी के लिए एक सदमे जैसा था। वो भले ही इस दुनिया से चले गए, लेकिन सिनेमा को दिया उनका अतुलनीय योगदान कोई नहीं भूल पाएगा।